में। और मेरे साथ आज हैं एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल। आप दोनों का स्वागत है। प्रथमेश, कच्चा तेल $60 के ऊपर अब जाता हुआ दिख रहा है, आगे इसमें और कितनी तेजी देखने को मिलेगी या आपको लग रहा है कि अब ये तेजी जो है कहीं ना कहीं एक स्टॉप लेने वाली है? मेरे ख्याल से प्रियंका, यहाँ से मोमेंटम जो है 3,580-3,600 तक की लगता है, बिकॉज ओपेक के जो एफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। लेकिन आप अगर देखोगे दूसरी तरफ में यूएस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन दैट सेंस मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेज जो है वो कैप हो जाना चाहिए 3,600 के आसपास। अगर नियर टर्म की बात करें तो फिर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो फिर बाय साइड में रहना चाहिए 3,490 के आसपास। स्टॉप रहेगा 3,430 का, टारगेट रहेगा 3,580 का। ठीक है, यानी ओपेक की सारी जो कदम उठ रहे हैं वो सही दिशा में है और बाय साइड रहने में ही समझदारी रहेगी, प्रथमेश जी की सलाह। साथ ही में सोने में क्या रणनीति रखी जाए? आपको सोना और चांदी ये दोनों कमोडिटीज अभी कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सोना और चांदी एक काइंड ऑफ कंडम बोल सकते हो आप। देखो मोमेंटम जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, कल भी रहा, आज भी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। उम्मीद है कि आप अगर एक दो दिन की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से बाय साइड में रहोगे, बट मैं सोने की राइज में और चांदी के राइज में थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक काफी नजदीक है। दिसंबर में होने की मोर देन 97% चांसेस है फेड वॉच टूल के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से हायर लेवल पे कैप हो जाना चाहिए। बट नियर टर्म की बात करो तो बाय साइड में रहना गोल्ड और सिल्वर में मुनाजिम रहेगा। प्रथमेश, एलएमई पर सारे ही जो बेस मेटल्स हैं अच्छी खासी तेजी में नजर आ रहे हैं, आज यहाँ पर भी शुरुआत बढ़त पर ही होती हुई हम देख रहे हैं, आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? मेरे ख्याल से निकल से दूर रहना चाहिए, पॉसिबिलिटी इसमें करेक्शन आने की उम्मीद हो सकती है, काफी फटाफट प्राइस हुआ है। अगर आप एक कमोडिटी में बैट करना चाहोगे तो वो होगा एल्यूमिनियम, हर एक डिप्पे बाय कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नियर टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो कॉपर में बैट करूंगा, 445 का एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 440 का, टारगेट रहेगा 452 का। प्रथमेश, आप निकल का जिक्र कर रहे थे, पूरे हमने इस पूरे हफ्ते के दौरान जो बड़ा देखी, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग होगी? मैं प्रॉफिट बुक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी निकल में ही सबसे ज्यादा करेक्शन होने की उम्मीद है, बिकॉज निकल में जो राइस हुआ है वो प्योरली ऑन द अजम्पशन की निकल जो यूज होने वाला है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन। बट इलेक्ट्रिक कार्स इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच हाई प्राइस राइज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इन दैट सेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निकल में मेरे ख्याल से फटाफट करेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी 760 ऑन द कार्स अगेन, जहाँ से ये राइज हुआ है वही लेवल वापस आपको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से एक 15 दिन के अगर आप जरिया अपनाए तो 15 दिन की हिसाब से आप अगर डायरेक्शन अपनाए तो ओके, सो 761 तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्पर्ट देखा था निकल में, जैसा कि प्रथमेश बता रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, बैटरीज में, इसीलिए हम ये स्पर्ट देख रहे थे, लेकिन कह रहे कि प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर निकल में आ सकती है। साथ ही में प्रथमेश, करेंसी मार्केट कैसा दिख रहा है? करेंसी में कंटिन्यूस अप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स ने अपना रुख मोड़ लिया है, वीकनेस से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है, 94 पे आसपास ट्रेड करे डॉलर इंडेक्स, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम जो 97 पर जा सकता है। तो इन दैट सेंस मेरे ख्याल से रुपी में आपको जो कैप रहेगा वो 66 तक का रहेगा, लेकिन इमीडिएट जो आप बोलोगे तो मुझे डर लग रहा है कि रुपी जो अप्रिसिएशन साइड में रहेगा, पॉसिबिलिटी 64 ऑन द कार्ड लगता है रुपी को लेकर। धन्यवाद प्रथमेश और रुपेश दलाल, आप दोनों का ही आपने वक्त निकाला हमारे लिए कमोडिटी बाजार के खुलते ही। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, फिलहाल सौदा आपका में वक्त है छोटे से ब्रेक का।